जय हिंद एवरीवन। तो आज हम देखेंगे टॉपिक है हमारा यूटिलिटी। यूटिलिटी का मीनिंग क्या होता है, यूटिलिटी के टाइप्स कितने होते हैं, यूटिलिटी का मेन मूल रूप क्या है उसका हम आज समझेंगे। ये हमारा एक बिजनेस मॉडल का, एक हमारे इकोनॉमिक्स का एक टर्म होता है जो हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है यूटिलिटी? माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या हो सकता है, अब आपको बताते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक कोई भी जंगल है ये, और इसमें कई सारे पेड़ लगे हुए हैं। तो ये जो जंगल है वो क्या है हमारा? माइक्रो इकोनॉमिक। ये हमारा माइक्रो, और ये जो पेड़ है ये सारे, ये क्या है हमारे? माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम देखेंगे यूटिलिटी। तो हमारा मेन टर्म क्या है? यूटिलिटी। यूटिलिटी का मीनिंग क्या होता है ये सारा चीज हम देखेंगे। तो देखिए यूटिलिटी का मीनिंग क्या होता है? जनरल मीन्स क्या होता है? वेलफुलनेस। वेलफुलनेस का मतलब क्या? वेलफुलनेस की जैसे कि कोई भी चीज आपके लिए जरूरत हो, जो चीज आपके लिए जरूरत है उसे हम बोलते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी का एक और मीनिंग है वांट सेटिस्फाइंग। अब वांट सेटिस्फाइंग मतलब क्या? कोई भी चीज आपको जो जरूरत है उसको आप सेटिस्फाई, कैसे भी आपके जो जैसे भी कहीं ना कहीं आपके कॉन्शियसनेस को जो सेटिस्फाई करे उसे हम बोलते हैं यूटिलिटी। और यूटिलिटी का इकोनॉमिक्स के टर्म में क्या मीनिंग है? वांट सेटिस्फाइंग, जो आपके नीड्स को सेटिस्फाई करे। अब हम देखते हैं इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, यूटिलिटी के क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, तो टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में हमारा जो पहला टाइप आता है, पहला टाइप हमारा होता है फॉर्म यूटिलिटी। अब फॉर्म यूटिलिटी में क्या होता है, एक एग्जांपल देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कॉटन। कॉटन मतलब क्या? कोई भी कॉटन का एक पेड़ होता है जैसे, जिससे आपका शर्ट बना होता है। तो कॉटन आपको कॉटन दे दिया जाएगा तो आप पहन लेंगे? नहीं पहन पाएंगे। तो उसका क्या हम बनाते हैं? कोई भी मैन्युफैक्चर उसका फॉर्म बनाते हैं, जैसे उसका हम टी शर्ट बनाए या शर्ट बनाए उसका। तो कहीं ना कहीं आप किसी फॉर्म में उसको अप्लाई कर रहे हैं, किसी न किसी फॉर्म में आप उसको यूज कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी वो होता है कि कोई भी चीज, जैसे कोई भी गुड्स है, कोई भी चीज है, उसको आप कैसे यूज करें? जब वो एग्जिस्टिंग फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तब उसको बोलते हैं क्या? फॉर्म यूटिलिटी। अब आते हैं दूसरे टाइप यूटिलिटी के। दूसरे टाइप यूटिलिटी हमारा क्या है? टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी में हमारा क्या होता है कि जैसे एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपको देते हैं। टाइम यूटिलिटी में हमारा जनरली क्या होता है, जैसे आपका मेडिसिन, इसमें आ गया एग्जांपल कि अगर आपको सही समय पे दवाइयां नहीं दिया जाए, सही टाइम पे कहा जाए कि आपको इस टाइम पे देना है, तो क्या हो जाएगा? आप पता नहीं कहां पे होंगे। तो कहीं ना कहीं आपको सही टाइम पे सही, आपको उस टाइम पे आपको कहीं ना कहीं उस गुड्स की जरूरत जो पड़े तो उसे हम क्या बोलते हैं? टाइम यूटिलिटी। अब नेक्स्ट देखते हैं टाइप उसके। नेक्स्ट टाइप हमारा क्या है? प्लेस यूटिलिटी। अब प्लेस यूटिलिटी में हमारा क्या आता है? प्लेस यूटिलिटी मान लीजिए कि आप जॉब, जैसे आपको, आप रहते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आप रहते हैं। अब आपको जॉब के लिए रिक्रूटमेंट आया तो केरला मान लीजिए आपका लग गया जॉब, तो केरला लगा तो कहीं ना कहीं आप उस जॉब के लिए प्रिफरेबल नहीं है। आप सोचेंगे कैसे वहां पे रहने, वो कैसे वहां पे लेवलीहुड, ये सारा चीज कैसे एडजस्टमेंट होगा। तो उस कहीं ना कहीं उस जॉब को पाने के लिए, जैसे वाराणसी में उस जॉब को पाने के लिए कहीं ना कहीं आपको उसमें, जैसे यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी के टर्म में आता है कि आपको उस जगह पे उस चीज की जरूरत है। आपको कोई भी जॉब या सर्विस उस चीज का जरूरत है, उसे हम बोलते हैं क्या? प्लेस यूटिलिटी। अब नेक्स्ट यूटिलिटी के टाइप में आते हैं पोसेसर यूटिलिटी। अब पोसेसर यूटिलिटी में हमारा क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई भी आप बिजनेस खोलेंगे तो उसके लिए लैंड जरूरत होगा। तो लैंड जरूरत करने के लिए उस पर आप घर बनाएंगे या उस पर आप कोई भी अपना बिजनेस स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो आपको लैंड कहीं ना कहीं आप उस लैंड को आपको पोजेस करना होगा। किसके द्वारा? जो लैंड ओनर है। तो उसके बाद आप कुछ भी बनवा सकते हैं, अपना अपना बिजनेस का ओपन शॉप खुलवा सकते हैं या आप उसको कोचिंग इंडस्ट्री बना सकते हैं। तो कुछ भी आप, जैसे कोई भी आप लैंड को जब आप एक्वायर कर लें तो उसे हम क्या बोलते हैं? पोसेशन यूटिलिटी। अब हम दूसरे टाइप का एक यूटिलिटी देखते हैं। एक दूसरा टाइप का यूटिलिटी हमारा क्या है? नॉलेज यूटिलिटी।
अब नॉलेज यूटिलिटी का मतलब क्या है, जैसे हम आपको कहीं ना कहीं आपको इस सोर्स के थ्रू, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको हम नॉलेज दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जरूरत है उस नॉलेज का। जैसे आपको, आप सोच सकते हैं जैसे हम आपको नॉलेज डिलीवर कर रहे हैं तो आप उस नॉलेज को ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस नॉलेज को भी जरूरत है। जैसे मान लीजिए कोई भी आपको एग्जाम अपने सेमेस्टर का या अपने जैसे कोई भी कंपटीशन निकालना है, तो कहीं ना कहीं आप उसको क्रैक करेंगे, उसको कहीं क्रैक करने के लिए आपको नॉलेज का जरूरत होगा। तो नॉलेज जरूरत करने के लिए कहीं ना बुक रिसोर्सेज हो सकते हैं, या हम आपको डिलीवर जो नॉलेज कर रहे हैं वो हो सकते हैं। तो उस वे को हम क्या बोलते हैं, उस वे को हम बोलते हैं नॉलेज यूटिलिटी। तो आइए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं सारे टर्म को। देखिए पहला हमने क्या पढ़ा था, फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी में हमने एग्जांपल दिया था कैसे उस कॉटन का, कैसे उस कॉटन का हमने टी शर्ट बनाया था, उसे हम बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी। और दूसरा हमने देखा था टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी में हमने क्या, किसका एग्जांपल दिया था आप बताइए, मेडिसिन का एग्जांपल दिया था। अब उसके बाद आता है प्लेस यूटिलिटी। अब प्लेस यूटिलिटी में आपका कहाँ एग्जांपल, जैसे जॉब सर्विसेज आपको वाराणसी में करना था, इसका एग्जांपल था। अब उसके बाद हमारा कौन सा यूटिलिटी आता है बताइए, पोसेशन यूटिलिटी। पोसेशन यूटिलिटी में क्या होता है, कोई भी लैंड आपको एक्वायर करना होगा, फिर उसके बाद लास्ट आपका कौन सा यूटिलिटी था, नॉलेज यूटिलिटी। अब नॉलेज यूटिलिटी में आप क्या होता है, नॉलेज यूटिलिटी में जैसे आप कोई भी बुक रिसोर्सेज या कोई कंपटीशन क्रैक करने के लिए आपको जो रिसोर्सेज चाहिए उसे हम बोलते हैं नॉलेज यूटिलिटी। तो ये हमारे पांचों टाइप के यूटिलिटीज है। ये आपको कॉन्सेप्ट, आपको जनरल अवेयरनेस के लिए आपको पता होना चाहिए कि फॉर्म यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, पोजेशन यूटिलिटी एंड नॉलेज यूटिलिटी क्या होते हैं, ये सारा चीज हमको पता होना चाहिए। तो ये रहा हमारा यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट। जय हिंद, थैंक यू।